नॉक नॉक, योर वेलकम एट पटना जंक्शन। इवनिंग का टाइम है और मैं पटना जंक्शन आया हूँ। मेरे साथ आप भी देखो पटने कितने खूबसूरत लगते हैं। जंक्शन पे इंटर करने से पहले ही हनुमान मंदिर, साथ के पास वाली गली की वो चाय, क्या स्वाद होती थी वो चाय। अंदर आने के बाद पटना जंक्शन के फ्रंट वाल पे बने हुए पटना का गौरवशाली इतिहास आपको सब दिखेंगे। यहाँ बोधि वृक्ष, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी, ये एरिया टिकट काउंटर का एरिया है, काफी लार्ज और स्पेसियस है। पटना जंक्शन और हनुमान मंदिर की दर्शन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। ये पटना जंक्शन का वेटिंग एरिया काफी स्पेसियस है, फूड कॉर्नर अच्छे हैं। हनुमान मंदिर के साथ ये अपना भारत का तिरंगा। यह जंक्शन काफ़ी पुराना है, यह 1861 ईस्वी में इसका नींव रखा गया था। फिलहाल इवनिंग का समय है, सनसेट हो रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है पटना जंक्शन का। और ख़ास करके ये जो खास मार्केट है, यहाँ पे खाने को बहुत कुछ मिल जाते हैं। नाइट के समय ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो इसका शैडो बनती है वॉल पे, अद्भुत है, देखने लायक, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कभी रेड, कभी ब्लू, कभी वाइट, कभी येलो, सारे पैटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्या रखा है पटना में? तो भाई सुनो, कभी पटना आकर तो देखो, तब तो जानोगे कि वाकई में क्या रखा है पटना में।